कोरोना के चलते एक तरफ तो देश भर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन वहीं प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहां एक ही परिवार के तीन लोगों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर जैसे ही इलाके में फैली तो वहां सनसनी फैल गई। नाराज गांव वालों ने गांव में हंगामा भी किया। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के आंधी गांव निवासी नंदलाल यादव, उनकी पत्नी छबीली देवी और उनकी बेटी राम दुलारी की हत्या उस वक्त हुई जब ये सब सो रहे थे। बताया जा रहा है कि परिवार खेती करता था, लेकिन हत्या किस वजह से की गई इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। तिहरे हत्याकांड की खबर सुनकर मौके पर गाँव वालों की भारी भीड़ जुट गई और सोशल डिस्टेंसिंग एक मजाक बनकर रह गई। फिलहाल खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज सुबह थाना मांडा को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम आधी में तीन व्यक्तियों की हत्या की गई है। इस सूचना पर थाना मांडा की टीम और सीओ मेजा, मैं एसपी अमनापार, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम, सारी टीमें यहाँ आई हैं और तीन लोगों की हत्या इसमें हुई है। नंदलाल यादव, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उसकी पत्नी छबीली, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, और उनकी बेटी राम दुलारी, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। तीनों की गला काट करके हत्या की गई है। जो मृतक नंदलाल है वो अपने खेत में सोए थे एक चारपाई पे, और उनकी पत्नी छबीली घर के बाहर चारपाई पे लेटी थी, और उनकी बेटी जो दो कमरे का एक मकान है इनका, उसके अंदर में लेटी हुई थी। परिजनों से, और इनका एक लड़का जो यहाँ पे मौजूद है, एक लड़का बॉम्बे में रहता है, जो लड़का यहाँ मौजूद है उसने ये बात बताई कि इसके दूसरे भाई की बीवी दो दिन पहले काफ़ी आपस में इनका वाद विवाद हुआ था और उसने धमकी भी दिया था मारने के लिए इन लोगों को। एक एंगल इसमें फ़िलहाल अभी ये आया है। दूसरी बात कि जो इनके परिवार में एक मोबाइल था, वो मोबाइल मौके पर नहीं मिला है, तो उसकी हम लोग CDR और सारी चीज़ें डिटेल उसकी निकलवा रहे हैं। उस एंगल पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं, और अगर इसमें आपराधिक अन्य कोई एंगल आता है तो उस दृष्टिकोण से भी, जो भी PM रिपोर्ट और जो डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो ओपिनियन और सारी चीज़ें जो आएंगी उसके अनुसार हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेज दी गई है। अभी परिजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, तहरीरें दे रहे हैं, और शीघ्र ही इसमें FIR करके आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। CM योगी ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घटना की विस्तृत जांच हो और दोषियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आशीष शुक्ला, UP तक।